तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम की क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी को चेंज करके सबको कैसे शो कर सकते हो। तो दोस्तों अपने इंस्टाग्राम की क्लोज फ्रेंड की स्टोरी को सबको शो करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम की ऐप को यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ से इसको ओपन करने के बाद अब आप सिंपली अपनी स्टोरी को यहाँ पर ओपन कर लीजिए। जिस क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी को आपने सबको शो करना है उसको स्टोरी को ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे उसके नीचे ये थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको देखिए सेकंड लास्ट नंबर पे गो टू स्टोरी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो हम सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है जिसके मदद से आप अपने इस क्लोज फ्रेंड की स्टोरी को सबको शो कर सकें। लेकिन अगर आपने फिर भी अपनी स्टोरी को सबको शो करना है तो इसके यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपको देखिए यहाँ पे क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपके साइड से क्लोज फ्रेंड यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपने सिंपली उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिन लोगों को आपने अपनी स्टोरी को शो करना है। तो सिंपली कुछ एक लोगों को यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो है उसके बाद जो है डन बटन के ऊपर यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना। जब आप उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद जो है जिन लोगों को आप सिलेक्ट करोगे वो लोग भी आपकी स्टोरी देख पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप अपनी स्टोरी को सभी लोगों को शो कर पाओ जो भी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हो चाहे ना करते हो, तो उसके लिए आप क्या करिए, आप सिंपली यहाँ से बैक आइए और उस स्टोरी को ओपन करने के बाद आपको देखिए आप नीचे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे सेव फोटो या फिर सेव वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद वो फोटो या वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आपने सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली ऐड स्टोरी के ऊपर यहाँ पे जो है क्लिक करना है। उसके बाद जो है उस फोटो और वीडियो को अपनी गैलरी से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने स्टोरी के ऊपर कोई गाना भी रखा था तो आप सिंपली म्यूजिक पे क्लिक करके यहाँ पे उस गाने को लगा दीजिए। बाकी स्टोरी तो यहाँ पे पहले की तरह ही रहेगी। उसका सिंपली आपने जो है अपनी स्टोरी को यहाँ पे पब्लिकली पोस्ट कर देना है और फिर आपकी वो क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी पब्लिकली भी यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। अभी पोस्ट हो रहा है, पोस्ट होने देते हैं। और जब ये स्टोरी पोस्ट हो जाएगी उसके बाद जो है इंस्टाग्राम के ऊपर सभी लोग आपकी स्टोरी को देख पाएंगे। तो अभी यहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है तो पोस्ट होने देते हैं इसको। हाँ, तो हमारी स्टोरी यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है। अब इस स्टोरी को इंस्टाग्राम के ऊपर सभी लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी को चेंज करके सभी को शो कर सकते हैं। तो फिर बस आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।